मैं मादीपुर गली नंबर 6 ए ब्लॉक से बोल रहा हूँ। और सर, हमारे इधर एक कोरोना वायरस का पेशेंट था जो कि 7 तारीख को उसकी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई थी। उसके एक हफ्ते पहले से वो हॉस्पिटल में था और उसके जो अदर फैमिली मेम्बर है, जो 14 फैमिली मेम्बर थे, उनके घर को 7 तारीख को आके इन्होंने क्वारंटाइन कर दिया था। 2 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आई, इन्होंने टेस्ट करा, उनकी रिपोर्ट सबकी जो है नेगेटिव आई है। कोई भी कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं है। अब इन्होंने पूरी गली को ब्लॉक कर रखा है। यहाँ से आज इन्होंने ये देखिए टीन लगा के चले गए हैं ये, ठीक है। अब यहाँ से आप खुद ये देखो कि यहाँ से हम कहाँ से सामान ले, यहाँ से हम सब्जी नहीं ले सकते, यहाँ से हम अपना कूड़ा कहाँ से लेंगे। 7 तारीख से आज तक लोगों ने अपने घर को कूड़े से कोरोना वायरस नहीं हो सकता, गंदगी से कोरोना वायरस नहीं होगा, ठीक है। लोग अब दूध पानी सब्जी कहाँ से लेंगे, चीनी आटा दाल चावल जो भी उनकी समस्या है वो कहाँ से लेंगे, वो सब चीज़ें। तो ब्रेक कर रहे थे या कोई टापा था, यहाँ से कोई गया था, तो ये टीन की शेड यहाँ पे लगाई जाती तो माना भी जाता। यहाँ से जब कोई गया ही नहीं है, हम वो पुलिस वालों से कोऑपरेट कर रहे हैं, हम घरों में रहते हैं और हम एक भी बंदा यहाँ से बाहर नहीं गया, उसके बावजूद भी इन्होंने टीन की शेड क्यों लगाई है। और हमने पूछा तो हमें कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, कह रहे आगे से ऑर्डर था। हमने कहा कौन सा ऑर्डर हमें दिखाओ, तो उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। ये परचून की एक दुकान थी इधर छोटी सी, ठीक है। ये गली के जितने भी मेहमान थे, छोटा मोटा या बड़ा, वो जो हर सामान ये लेते रहते थे, लेकिन अब इसको भी इन्होंने जानबूझ के बंद करवा दिया। पता नहीं इनको क्या बेनिफिट है, क्या है क्या नहीं है। और हम बताओ कैसे खाएंगे। और हम दोनों ही मेंबर रहते हैं, मेरी अम्मा और मैं रहती हूँ यहाँ पे। और मेरी माँ पता नहीं कैसे गुजारा करती थी, मंदिर पे मांग मांग के लाती तो हमारा पेट भरती थी। अब यहाँ कोई सुविधा नहीं है कि भाई कुछ दे जाए, बताओ हम कैसे गुजारा करेंगे, क्या खाऊंगे। बाजी राशन नहीं है, मेरी तबीयत खराब बहुत रही है, खाने को तो दो। दिन से इनको टाइफाइड हो रहा, एक रिपोर्ट करवा ली, दूसरी करवाने गली से जा रही, तो पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे, ना दवाई लाने जाने दे रहे मेरे को और ना टेस्ट करवाने जाने दे रहे। और इसमें बताओ क्या करूं, बच्चों को दवाई भी नहीं मिल रही, तो क्या हाथ से गला घोट के मार दे इनको, बताइए आप लोग की सहायता। नहीं परेशान इसलिए हैं क्योंकि हम कुछ सामान लेने जाते हैं बाहर तो पुलिस वाले हमें तंग करते हैं, वो बोलते हैं भाई किसी से सामान नहीं लेना, ठीक है। और हमारे घर के आगे पोस्टर लगा के गए हैं पुलिस वाले, उस पे हम फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास कोई लड़का नहीं है सामान भेजने के लिए, तो हम सामान ले तो कहाँ से ले, आप हमें बताइए। समय से आ रही है क्योंकि सिलेंडर बुक करवा रहे हैं, तो बुकिंग वाले भी, सिलेंडर वाला भी गली में नहीं आ रहा क्योंकि दोनों तरफ से बैनर लगा हुआ था, तो क्या नाम से ये हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या नाम से आज इससे ऊपर भी चादर लगाई गई है तो हमें दिक्कत आ रही है। और लोगों को हमारे घरों में इतना इतना कूड़ा हो, कहाँ जाए, हम पूरी गली बंद कर रखी है, हम कहाँ जाए। आपसे हम मदद चाहते हैं, हमारी सुनवाई कीजिए। मेरी बिटिया को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उसकी दवाइयाँ यहाँ जो नंबर दिए गए उन पर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं फ़ोन का, और वो दवाइयाँ या तो गंगाराम हॉस्पिटल मिलती हैं या राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में मिलती हैं, है ना। और मैं भी डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो बड़ी समस्या हो रही है और चारों तरफ से बंद है और जाने नहीं देते कुछ भी दवाई के लिए भी। लड़का नहीं है, ये बड़ी परेशानी होगी। मोदी जी से और उनसे कोई परेशानी नहीं है, ना लॉकडाउन से परेशानी है। घर के अंदर है, हम अभी भी दरवाजा के अंदर है, मगर दिक्कत ये सारी गली बंद कर रखी है, ये गली थोड़ी खुलनी चाहिए। आने जाने का नहीं कह रहे हम, थोड़ा सा कुछ सब्जी पहुँचा दे, राशन पानी पहुँचा दे, वो गली बिल्कुल बंद हो रही। और ये नोटिस लगाया है उन्होंने, पब्लिक का नोटिस है, इसमें देख सकते हो वॉलेंटियर हमारी हेल्प के लिए, पर वॉलेंटियर हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं।